गेहूं खरीद के लिए मंडियों सहित विभिन्न खरीद केंद्रों में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिला में विभिन्न एजेंसियों द्वारा बुधवार तक 38,648 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 19,648 मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 13,833 मीट्रिक टन, एफसीआई द्वारा 1,970 मीट्रिक टन, हरियाणा वेयरहाउस द्वारा 2,855 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। वहीं जिला कैथल के विधानसभा क्षेत्र गुहला के गांव बलभेड़ा में बने खरीद केंद्र को लेकर आज वहां मौजूद किसानों व कमीशन एजेंट ने अपनी आपबीती मीडिया के समक्ष सुनाते हुए कहा कि वैसे तो जिला प्रशासन को कई साल पहले बलभेड़ा में खरीद केंद्र के लिए गांव की पंचायत द्वारा भी जमीन दे दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने उस पर उपले बनाकर नाजायज कब्जे कर लिए। ये अनाज मंडी आज से 10 साल पहले पक्की हुई थी, अभी तक पक्की नहीं करी है सरकार ने। अरे नाज गिरवा रहे हैं जो स्कूल में गिरवा रहे हैं, बारिश होगा तो नाज खराब होता है। कच्ची है, कच्ची है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कच्ची है जी, इसको पक्का कराया जाएगा। अच्छा कितने साल से ये है? 10 साल से 15 साल से वो है, मंडी बनी हुई है यहाँ। आड़स का काम है अपना जी, लेकिन यहाँ मतलब ये परचेजिंग सेंटर बना हुआ पक्का जी, यहाँ अभी तक कच्चा है जी। 10 से 12 साल हो गए, कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है। यहाँ लोगों ने कब्जा कर लिया खाली जगह देख के, इसको पक्का करवाया जाए ताकि किसानों और आड़तियों को कोई परेशानी ना हो जी आने वाले टाइम। कितने गांव का ये सेंटर है? ये 6-7 गांव का सेंटर है जी, यहाँ 60 से 70 हज़ार इकट्ठे आ सकते हैं। अभी कोई गिरवाता नहीं, ना कोई आड़ती आता है या ना कोई जिम्मेदार यहाँ घेरता है जी। बाकी प्रशासन के रिकॉर्ड में पक्का है? हाँ जी, ये पक्का है जी। अभी भी कई आड़तियों को यहाँ मिला था जी, सेंटर में गिरवाने की मंजूरी मिली थी लॉकडाउन के चलते, भाई ध्यान रखा जाए मतलब सोशल डिस्टेंस का, लेकिन कच्चे को देख के सभी भाग गए जी। जो बलभेड़ा गांव के अंदर मार्केट कमेटी के द्वारा जो परचेज सेंटर बनाया गया है, वो गांव की जमीन ग्राम पंचायत में दी गई है और जो कि अभी तक कच्चा पड़ा है। परचेज सेंटर जो है वो हमारे खुले होते हैं, तो सीजनली जब भी किसी का वहां पर कोई कब्जा होता है तो हम उसको दबा देते हैं। परमानेंट किसी भी प्रकार का कोई कब्जा बनते अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, तो अभी वैकल्पिक तौर पर उसको मंडी को इस्तेमाल किया जा रहा है बस स्कूल के? वैकल्पिक तौर पर गेहूँ परचेज के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो कब तक सर उसमें हो जाएगा वो? वो बोर्ड मुख्यालय में हम उसके लिए पत्राचार करेंगे कि उसको पक्का करवा दिया जाए ताकि वे भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।